हाय दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे रहे। ठीक है, आज मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और इसका नाम है डोलो 250 और इसमें भी और एक आता है 125 mg। ठीक है, ये सिरप क्यों खाएंगे और इसका साइड इफेक्ट क्या है, आज मैं इस वीडियो में पूरा बोलूँगा। ठीक है, और वीडियो भी लास्ट तक देखना। ठीक है, और ये ओनली बच्चा के लिए है, बेबी के लिए है और ये एडल्ट के लिए नहीं है। ठीक है, और इसका जो प्राइस आता है 40.32 रुपीस और इसका ml आता है 60 ml, देख सकते हो 60 ml। और इसका कॉम्पोजिशन है पैरासीटामोल पेडिक ओरल सस्पेंशन, मतलब बच्चों के लिए ओरल जॉब लगता है तो बच्चों के लिए होता है। ठीक है, इसका जो कंपनी नेम है वो माइक्रो कंपनी है, आप सभी लोग देख सकते हो माइक्रो कंपनी, ये नंबर वन इंडिया का ब्रांड है। ठीक है, आप डोलो 650 नाम तो सुना होगा और ये उसका सिरप आता है। ठीक है, जो भी आप लोगों को बच्चा के लिए ज्वर होता है, फीवर जो होता है, तो भी आप सभी लोग इस सिरप को बच्चा लोगों को पिला सकते हो। ठीक है, और जब भी खाओगे बच्चा को तो आप बच्चा लोगों को कुछ खिलाकर इसके बाद ही देना है। ठीक है, खाली पेट में नहीं देना है। ठीक है, बच्चा जो लोग होता है वो क्या करता है, रोने लगता है और उसका शरीर भी बहुत गर्म हो जाता है और खाना नहीं चाहते हैं और बच्चे के जो मुख है उसके अंदर गुटी गुटी सा हो जाता है। ठीक है, तो भी आप सभी लोग समझ जाओगे उसके कुछ हुआ है। ठीक है, फीवर कुछ हुआ है, जो ज्वर वगैरह या और सर्दी तो एनी टाइम लगता रहता है, ज्वर या शरीर में कुछ दिक्कत है, इसको जॉन्डिस वगैरह भी हो सकता है। इसीलिए बच्चे लोगों को आप लोग जब भी ये सब प्रॉब्लम देखेंगे तब भी साथ ही साथ आप लोगों को ये सिरप बच्चे लोगों को पिला देना है। ठीक है, और इसका डोसेज जो होता है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 1 to 3 years। ठीक है, 1 से 3 साल अंदर के, और यहाँ पर क्या लगे वेट आपका 10 से 14 kg के अंदर 3 से 4 ml देना है। ठीक है, यह पर ml जो होता है यह पर 5 ml, इतना सा 5 ml। ठीक है, और इसको आप दे सकते हैं। ठीक है, ये इतना सा देने से हो जाएगा 1 से 3 साल के अंदर। ठीक है, और जो 3 से 5 साल के अंदर है वो 14 से 20 kg तक होना चाहिए। ठीक है, वो भी डोज 4 से 6 ml, मतलब 5 ml आप लोग दे सकते हो। ठीक है, और कितना टाइम दोगे आप लोग, 3 से 4 times यहाँ पर लिखा है, 3 से 4 times आप लोग दे सकते हो। ठीक है, और कुछ खाकर जो बच्चे लोग हैं कुछ पिलाकर फिर इसको पिलाना है। ठीक है, और इस सिरप खाने के बाद थोड़ा सा हल्का टाइप से पानी भी दे देना है। ठीक है, और इसका फ्लेवर भी आता है, ये पहले तो इसका फ्लेवर नहीं था, बच्चे लोग खाने से रोता था और इसका अभी फ्लेवर भी आया है और इसका खाने से भी टेस्ट लगता है, बच्चे लोग आराम से खा लेता है। ठीक है, और इसका साइड इफेक्ट ऐसा तो कुछ भी नहीं है और जब ज्वर कम जाएगी तो आप लोगों को नहीं देना है। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ज्वर कमने के बाद भी इसको पिला देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, जब ज्वर कम जाएगी तब आप लोगों को देना नहीं चाहिए। ठीक है, जब आप लोगों को इस सिरप खाने के बाद कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, 1 से 2 दिन हो गया, फिर क्या होता है, इस सिरप खाने के बाद भी कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा भी होता है, तो आप समझ जाना है क्या उसको एंटीबायोटिक सिरप की ज़रूरत है। एंटीबायोटिक या सिरप देंगे आप लोग कोई भी डॉक्टर के पास सलाह के बाद फिर इस सिरप को लेना है। ठीक है, और वो इस एंटीबायोटिक को भी डॉक्टर के सलाह के बाद ही, ठीक है, कोई भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं, सिविक्सिम या सेफोडोक्सिम ऐसा कुछ वगैरह दे सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ मैं आप सभी लोग इस सिरप के बारे में सब कुछ समझ गए। इसका जो साइड इफेक्ट है वो आप लोगों का जो लेटिन है, लेटिन वगैरह थोड़ा सा गीला हो सकता है और ऐसा तो कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, पैरासीटामोल प्लेन सिरप और क्या साइड इफेक्ट रहेगा।